अस्सलाम वालेकुम। ये हम नाश्ता करने आए हैं। ये भाई ने बहुत अच्छे परोठे बनाए हुए हैं, बहुत शानदार वाले। और इनके पास है ना बड़ा अच्छे, यानी कि सालन वगैरह, हलीम और छोले, काफ़ी सारी निहारी है, बहुत सारी चीज़ें भाई ने बनाई हुई हैं। हलवा पूड़ी भी है, चाय और रोटी का तंदूर भी है भाई के पास। बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ भाई ने। ठीक है ना, अब हम खाना खा के चेक करते हैं इनका खाना कैसा, फिर आपको बताते हैं। और ये मैरिन इंतज़ार कर रही है कि देखो क्या चीज़ लेके आता है। वो कहती है मैं नाश्ता नहीं करती। यूसुफ आप नाश्ता करोगे बेटा? चलो यूसुफ और मैं तो करेंगे। चलो मैरिन को थोड़ा सा मिला लेंगे क्योंकि मैरिन की तबीयत ना ख़राब हो रही है सर्दी की वजह से, या बहुत ठंड है ना। नाश्ता आ गया, अच्छे ये स्वाद भी खाओ ना। अभी मुंह में गया ही नहीं है, पहले बताने लग गया टेस्ट है और झूठा। अच्छे होते हैं, चलो खाओ मजे करो, जल्दी खाओ पहुँचाने। अच्छा जनाब, हमने मैंने तो खाना खा लिया है, यूसुफ अभी खा रहा है और मैरिन ने कहा मुझे चाय मंगा दो क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी, थोड़ा सा फ्लू वगैरह हो रहा है। इंशाल्लाह भी आराम आ जाएगा, आज यहाँ धूप भी अच्छी निकली है, इंशाल्लाह भी हम बाहर जाएंगे और आपको इसका भी विजिट करवाएंगे। नाश्ता भी बहुत मज़ेदार था भाई, मज़ा आया है। कम पानी लाना ते पर पर मशका लावे, मालिक दा कमे पल पुल लाना लावे या ना लावे। बेटा बेटी अल्लाह की दे, अल्लाह के बंदे। अभी उसकी 5 माह की दूध पीती बच्ची है जिसे कम से कम 2 साल तक माँ के दूध की जरूरत होती, और इसका हुक्म इस्लाम में भी है। बिल्कुल आप सही कह रही है, बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पीना चाहिए जी, ये उसका बुनियादी हक भी है। लेकिन जमशेद साहब, अगर इस दौरान एक और बच्चा आ जाएगा तो क्या पहले बच्चे की हक तलफी नहीं होगी? बात तो ठीक है, आई नो, समझ भी रहा हूँ, समझना भी चाहिए, लेकिन रखे का मामला कुछ और है। बंदे को समझाने ना भैंस के आगे बीन बजाने के लिए सबको समझाने तेरे वाला नहीं मुझे कह रही थी, मुझे कुछ कहा इन्होंने नहीं, अगर ये ना भी बताती ना मैं बड़ा जहीन और बड़ा समझदार हूँ। लगती नहीं है, कब से समझा रही हूँ, कब से समझा? आप ये कह रही है कि इस बंदे को समझाना ऐसे है जैसे भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ हो। बड़े तेज कान है वैसे आपके, कल ही 2 सेब काटे इनके साथ में, कान छुरी है। जो भी हो एक बात सुन लो रिजवाना जी, आप मुझसे जो पूछना चाहती हैं यस, मेरे मुंह से उगलवाना चाहती हैं यस, और मुझसे सुनना चाहती हैं वो नहीं हो सकता। बस क्यों नहीं हो सकता भाई? रखे को चाहिए घर का वारिस, जिस घर में वारिस नहीं होगा आने वाले दिनों में वो घर तो लावारिस ही कहलवाएगा ना, क्यों बाबा जी? जमशेद साहब, दुनिया भी इस हकीकत को मान गई है कि माँ और बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है कि दूसरे बच्चे से पहले कम से कम 3 साल का वक्फा रखा जाए, इससे दोनों की सेहत ठीक रहती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वक्फा यानी कि रेस्ट, यस भाई, इसके हक में तो मैं भी हूँ। शुक्र है, अब हम भी लेंगे यहाँ एक वक्फा क्योंकि हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सिंगर्स मौजूद है जो हमें गाकर बताएंगे कि वक्फा क्यों जरूरी है। आओ जी तकने हैं जिंदगी की, वक्फा क्यों जरूरी है इंसान की जिंदगी।
नाश्ता भी किया है हमने, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। और उसके बाद हमने वो देखा है, वो मतलब वो ना हुकूमत की तरफ से था कि ना कम बच्चे पैदा करो, ये वो पूरा वो भी मैंने आपको दिखाया है, देखिएगा, बहुत मज़े का था। हमने भी पूरा ही देखा है, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा फुल वाला मज़ा आया। बस तबीयत मेरी थोड़ी सी डाउन हो गई थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह बेटर है। मुझसे ना पता नहीं क्या है, ना सर्दी बर्दाश्त होती है ना गर्मी बर्दाश्त होती है, तो इस वजह से ये देखें कितनी प्यारी गाड़ी है, बहुत प्यारी है, ये देखें। अब हम लोग जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तो चेयर लिफ्ट का कंफर्म नहीं है अभी, क्योंकि ये कहते हैं कि मैंने नहीं बैठना, इनको डर लगता है। मैंने कहा मैं अकेली कैसे जाऊंगी, कैसे आऊंगी, तो देखते हैं, अभी फुल डिसाइड नहीं हुआ हमारा। ये देखें पहले मरी ऐसा था, ये ना उन्होंने सन भी साथ लिखते हैं ना, है ना, पता चलता कि कौन से सन में ऐसे था। अब तो न्यू बन गया है ना, पहले ऐसे था ये देखे। अच्छा पहले ना अभी वो वाली वो जा रही थी ना मिनी ट्रेन, पहले ये वाली थी आसिफ, ये देख पिंडी वो मरी ट्रांसपोर्ट, ये वाली लास्ट में सेकंड पे जो है चेयर लिफ्ट, ये तो अब ये वाले अब न्यू हैं पड़े, वो जो है ना वो सारे ओल्ड थे, ये न्यू मरी के हैं। सुभान अल्लाह नज़ारे देखें, कितना मज़ा आ रहा है देख के, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ आपको एक और चीज़ तो दिखाऊँ, आज हम दोनों ने पहने हैं ब्लैक कपड़े सेम, ये देखें, ये मेरे यूसुफ ने भी ब्लैक पहना है, इन्होंने भी। अब मैं एक शेर सुनाती हूँ आपको इस पे, हम दोनों ने पहने हैं आज काले कपड़े, उसने मेरे तिल जैसे, मैंने उसके दिल जैसे। कैसा लगा शेर? ओ भाई ये क्या है, जबरदस्त है ना, यहाँ से व्यू चेक करें जरा, घर भी कहाँ पे बना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, दो घर कहाँ पे, हाँ ये देखो, गिर भी सकता, नहीं नहीं पक्के बना हुआ है। यहाँ से ले रहे हैं फ्रूट अपने लिए, इनको फ्रूट बहुत पसंद है, माशाल्लाह फ्रूट है कितने फ्रेश। कहाँ जा रहे हो हैं? हाँ इनको तो बहुत डर लगता है, ये सिर्फ देखने ही जा रहे हैं। मैं तो कभी ना बैठूं बाबा जी, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये, कभी ना बैठ ना लला, यार बैठ दो यार मैं अकेली, ना बाबा जी ऐसा सौदा हमें नहीं बारी आता, बैठ दो यार, जो पैसा भी दें और खून भी सुखाएं, मैं अकेली कैसे बैठूंगी, ना पाजी बैठ जाओ, यार गलत बात है, गलत है ये सही है, आप बैठ जाओ यार, ना का मैं अकेली नहीं बैठ सकती ना यार। ये है चेयर लिफ्ट जिसमें मेरे हस्बैंड बैठने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको बहुत डर लगता है, वो कह रहे हैं मुझे कि आप अकेले जाओ और अकेले ही आओ, और मैं अब खड़ी हूँ किसी पार्टनर का वेट कर रही हूँ, कोई लड़की आ जाए जो अकेली हो, चलो मेरे साथ बैठे, मुझे कंपनी तो दे, अगर मिल गई तो मैं बैठ जाऊंगी, अगर ना मिली तो चले फिर नहीं बैठ सकती, क्योंकि ये तो बैठने के लिए तैयार है नहीं, ये देखें ये डर के बैठे हैं साइड पे, कहते मैं कोई नहीं बैठने वाला,
ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। गलत बात है, इतना नहीं डरना चाहिए इंसान को, ये बहुत ज़्यादा डरता है। पीछे पहाड़ देखें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है। चेयर लिफ्ट पे तो बैठे नहीं हैं हम, आ गई हूँ मैं और फिर यहाँ पे बैठते हैं थोड़ी देर, जगह बहुत प्यारी है। मैंने कब बैठी तो नहीं हूँ, चलो यहाँ से देख ही लूँगी मैं, शायद आगे जाके फिर बैठूँ मैं। आसिफ वो किस लिए है, वो डबल डबल ऊपर नीचे वो जो बना हुआ है, ये चेयर लिफ्ट में वो जो ब्लू कलर वाला वो बॉक्स नहीं आ रहा यार, वो जा रहा है भाई, ये बैठने के लिए तो नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखें, ये इनको देखें जरा, पहले आप चेक करें क्यों गिर जाओगे, ये यूसुफ को तंग कर रही है। माशाल्लाह यूसुफ कितना चलाक है, बड़ी है। अच्छा मेरी वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे आपको। आप लोग मेरे साथ साथ रहें, देखें कि कहाँ कहाँ पे अभी जाना है हमने, आप लोग साथ साथ रहें मेरे। और ये देखें, ये सामने चेयर लिफ्ट चल रही है। यूसुफ डर के गया हुआ था, बकरियों से डर के, ये लड़का हर चीज़ से डरता है। रास्ते में हॉर्स थे, उनसे डर के भाग गया। कहाँ पे गए थे? ऊपर। क्यों? देख लो वहाँ पे फुल ऊपर। गए क्यों थे ये तो बताओ ना जरा, सबको बताओ ना क्यों गए थे। ले लेके खा दे आ रही थी। हाँ। मुंह वाला सुन सुन के मेरे में क्या है। कितने प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। एक्टिंग एक्टिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। अच्छा तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें हैं। मैं कह रही हूँ ऐसा, आप मुझे कहो। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। आगे मिल के भी प्यास नहीं भरती, नजारे प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखे। हमने बहुत एंजॉय कर लिया है। मैं चेयर लिफ्ट पे नहीं बैठी, बताया मैंने आपको कि मैं क्यों नहीं बैठी। अब हम लोग जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं आपसे बताओ। कश्मीर पॉइंट। नहीं पहले हम चावल नहीं खाएंगे, पहले हम खाएंगे बिरयानी की प्लेट और उसके साथ कोक की बोतल और उसके साथ बेगम ने कह दिया तो चाय भी पिला देंगे, क्योंकि ये चाय की लवर है, दीवानी है और मुझे नफरत है चाय से। मेरा दिल, यूसुफ हाथ छोड़ो, मेरा दिल करता है मैं बस चाय पीती रहूँ, तो मुझे चाय बहुत पसंद है। ऐसा लगता है कि चाय पी के ना एनर्जी मिल जाती है। आप सब में से कौन कौन है चाय का लवर बताए मुझे कॉमेंट बॉक्स में। ये तो देखो ये बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। बैठे कैसे हो आप? वो यूसुफ नीचे झूले ले रहा है, वो बैठा
हम आए यहाँ पे खाना खाने के लिए, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। बिरयानी बन रही है, टेस्ट करना ज़रा कैसी है। अच्छी है। ये हमारे पाकिस्तान के बड़े मशहूर निशानेबाज हैं, बस मैंने गुब्बारे वाले को हटा दिया। ओहो गुब्बारा फाड़ दिया। मैंने गुब्बारे वाले भाई को कहा तेरी मेहरबानी साइड पे हो जा, इसका निशाना बहुत दुरुस्त है। नहीं लगा, दूसरा नहीं लगा। यूसुफ की बारी है, चलो यूसुफ। ओह वाओ, कितने प्यारे नजारे हैं। वेरी वेरी नाइस लुक। सुभान अल्लाह कहते होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब मेरे रब की शान है। सुभान अल्लाह। अब हम लोग जाने लगे हैं कश्मीर पॉइंट पे, वहाँ पे भी जाके देखते हैं क्या आए जो है। तो फिर देखना तो चाहिए ना एक एक चीज, क्योंकि बस अब हम लोगों ने चले जाना है यहाँ से। हाँ जी, टांगों की बस हो गई है, थक गए हैं बहुत ज्यादा। सही बात है, यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है, चल चल के हाल बुरा हो गया। अल्लाह हमें गाड़ी दे। आमीन 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 सुम आमीन। आप सब दुआ करें हमारे लिए। अल्लाह आमीन। ये है कश्मीर पॉइंट, ये सामने जो है ना वो कश्मीर की पहाड़ियाँ। कश्मीर पॉइंट जी, मुझे लगता है कल हमने इसी रोड से ही जाना है शायद, पता नहीं लग ऐसे रहा क्योंकि बड़ा रोड लग रहा है। हाँ बड़ा रोड तो यही है। मम्मा चाय पी रही है, ये देखे, ये बेचारी चाय पीती रहती है। ये देखे आप जो नापी, अब मैं क्या कर सकती हूँ। ये देखे सुभान अल्लाह, देखे सूरज गरूब हो रहा है। सूरज मैंने कहा गरूब हो रहा है, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। हाँ जी मैं दिखा रही हूँ, पहाड़ों की शाम हो रही है। हम लोग जाने लगे हैं वापस रूम में, मुझे ये सूरत बहुत प्यारा लग रहा है। सुभान अल्लाह, देखे सामने का व्यू कितना प्यारा है। सुभान अल्लाह, शर्म शर्म ये सब शर्म। वीडियो क्यों बंद करो, वीडियो में तो मैंने सबको दिखाना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं, ठीक ठाक। अब हम बाहर निकले हैं, मैरिन की तबीयत थोड़ी ख़राब है पड़ी। अब हम ये सोच रहे हैं कि क्या खाया पिया जाए, तो फिर मैंने उसे यही मशवरा दिया कि यहाँ कढ़ाई गोश्त बहुत महंगा है, तो इससे अच्छा है कि हम कल की तरह ना केएफसी खा लें। चलो महंगा है, कोई अच्छी चीज़ तो है ना, कढ़ाई गोश्त तो हम घर में भी खाते पीते रहते हैं, तो लिहाजा आज भी हम दोबारा केएफसी करने जा रहे हैं। रहे हमारे साथ, आपको केएफसी करवाते हैं और मज़ा भी आएगा। ठीक है फिर गपशप भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए महरीन सर गिरा के पड़ी है, इसलिए कि इसका यानी कि तबीयत सही नहीं है। यूसुफ की अपनी केएफसी का इंतज़ार कर रहा है और यहाँ पर हम आए हुए हैं। बहुत अच्छा माहौल है, साफ सुथरा माहौल है, बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त माहौल है। और अभी हमारी केएफसी आएगी, हम आपको वो भी दिखाएंगे और इंशाल्लाह
और बाहर जाके आपसे मज़ीद आपको सैर करवाएंगे। आज क्योंकि मरी में हमारी आखिरी नाइट है, कल इंशाल्लाह हमने मरी से निकलकर देखो कहाँ जाना प्लान कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। ठीक है जी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मम्मा की तबीयत खराब है। और ये बाबा